हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। निःसंतान दंपतियों के लिए योग। विवाह होने के बाद यदि घर में संतान सुख ना हो तो बहू को सुनने पड़ते हैं ताने और पुरुष अपने आप को कमजोर समझने लग जाता है। उसको एक आत्मग्लानी का भाव पैदा होने लग जाता है। वह अपने आप को अपमानित सा महसूस करने लगता है, मानो कि वह ऐसा महसूस करता है कि उसका पौरुष उसको एक चुनौती मिल रही है। शादी के एक दो वर्ष बाद यदि घर में संतति ना हो, संतान सुख ना हो, किलकारियां ना सुनने को मिले, बच्चे गोदी में ना खेलें, तो पति और पत्नी दोनों को ही गार्हस्थ्य सुख पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आखिर ये संतत्तियां चलती रहेंगी तो इस समाज चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन कई बार किसी भी कारण से ये निसंतानता, माताओं में बंधत्व का रोग, वो कंसीव नहीं कर पाती, वो गर्भवती नहीं हो पाती, या पुरुषों के अंदर जब उनकी यौन शक्ति किसी भी कारण से क्षीण हो गई, ज्यादा कामुकता, ज्यादा वासना, या किसी किसी को बचपन में यदि चेचक का रोग हो गया हो, माता की प्रॉब्लम, तो चेचक के कारण से भी कईयों को स्पर्म काउंट या तो नील हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। गले में बचपन में कोई गांठ हो गई हो, थायराइड की प्रॉब्लम, या पीच्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये मुख्य दो ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर की शक्तियों को संतुलित करने वाली। हाइट भी इन्हीं से बढ़ती है, वेट भी इन्हीं से कंट्रोल में रहता है, विचार भाव संवेदनाएं इन्हीं से संबद्ध है। तो पीच्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को योगी से आप अच्छा कर सकते हैं। तो यदि बचपन में आपको गले में कोई गांठ हो गई थी, यहां कान के नीचे कोई गांठ हो गई थी, या आपको चेचक, तो हो सकता है आपके स्पर्म काउंट कम हो गए हो या नील हो गए हो। यदि किसी को पहले थे और बाद में किसी भी कारण से खत्म हुए तो दोबारा आ जाएंगे। इतनी बात तो 100% पक्की है। यदि किसी को 1-2%, 1-2% में यदि किसी को स्पर्म काउंट है तो उनको 40-50-60-70 तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों व्यक्ति हमने ठीक किए और वही उपाय आपको हम बता रहे हैं। आज मर्दानगी पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने दुकानें खोली हैं। नील शुक्राणु के रोगी मिले, शुक्राणु की अल्पता का इलाज कराएं, यौन शक्ति पाएं, और इस तरह के ऐड से दीवारें देश की फूटी हुई हैं। और कोई पत्र पत्रिका देख ली, खास करके सस्ती पत्र पत्रिकाओं में तो यौन रोगों का समाधान, आज हम आपको बता देते हैं कि यौन रोगों का समाधान क्या है। कोई आपकी यौन या वासना शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक उपचार हम बता रहे हैं कि आप एक गृहस्थी हैं और गृहस्थी बनने के बाद यदि घर में संतान सुख नहीं होता है तो घर में क्लेश होते हैं, रोज अशांति पैदा हो जाती है, पूरा घर का वातावरण ही बिगड़ जाता है, दुखमय हो जाता है, अशांत हो जाता है, नर्क जैसा हो जाता है। तो क्या करें आप? पहली बात, पुरुषों के लिए यदि पुरुषों के स्पर्म काउंट कम है तो कपालभाति प्राणायाम करना। हमने कुछ लोगों को कोई दवाई नहीं दी आयुर्वेद की, न कोई जड़ी बूटियां दी, खाली उनको प्राणायाम करवाया और पाया, उन लोगों ने खुद हमें रिपोर्ट दी है अपनी, उनकी रिपोर्टें हैं हमारे पास कि प्राणायाम के करने से 5% स्पर्म काउंट थे, 3 महीना प्राणायाम किया 25% हो गए, 15% स्पर्म काउंट थे, 3-4 महीने प्राणायाम किया 45-50% स्पर्म काउंट हो गए। ये तो रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। यौन रोग ये कोई छिपाने की चीज नहीं है, एक स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया में कहीं बाधा आ गई है उसको ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगी। तो कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम तो करना ही है आपको। कपालभाति प्राणायाम के करने से
स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, पुरुष शक्ति बढ़ती है, यौन शक्ति भी बढ़ती है, लेकिन उसका वासनात्मक प्रयोग नहीं करना, उसका मात्र एक सृजन के लिए प्रयोग करना। सुख तो पति पत्नी में एक दूसरे के व्यवहार से है, एक दूसरे की वाणी से है, एक दूसरे के कार्यों से है, एक दूसरे के समर्पण से है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सद्भाव से पैदा होता है। प्रेम का संबंध वासना से नहीं है। लेकिन एक बीमारी यदि हो गई आपको, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो उसके लिए इलाज है कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना, 5-5 मिनट सर्वांगासन और हलासन कर लेना, माताएं बहने उष्ट्रासन और कंधरासन भी कर लें। आज हम आपको पहले आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं, बाद में योगिक प्रक्रियाओं को समझाएंगे। जिन पुरुषों को स्पर्म काउंट कम हो, वे प्राणायाम योगाभ्यास तो करें ही, सर्वांगासन हलासन भी करें, मंडूकासन भी करें, शीर्षासन भी करें। माताएं बहने उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और कंधरासन, ये तीन आसन भी और विशेष करें। प्राणायाम मूल बंद करके ही करें। जब भी प्राणायाम करें, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम मूल बंद के साथ करें। मूल बंध से यौन शक्ति का गहरा संबंध है। एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक उपचार पहले हम बता देते हैं आपको। पुरुषों के यदि स्पर्म काउंट कम है तो उनको घरेलू उपचार में सफेद मुसली, शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण, सफेद मुसली, अश्वगंधा चूर्ण, शतावर चूर्ण, ये 100-100 ग्राम ले लें। जिन माताओं बहनों को अंडा पूरा नहीं बन पाता है, वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। माताएं बहन सफेद मुसली, शतावर, अश्वगंधा चूर्ण, ये माताएं भी वो प्रयोग कर सकती हैं जिनका अंडा पूरा नहीं बन पाता है, कम बनता है या बनकर के पूरा विकसित नहीं होता है, वे माताएं बहनें इसका प्रयोग कर सकती हैं। और पुरुषों के लिए खास सफेद मुसली, अश्वगंधा, शतावर, पुरुषों को प्रयोग करना है तो वो इसमें कोंच बीज और मिला लें। तो पुरुषों के लिए सफेद मुसली, शतावर, अश्वगंधा, कोंच के बीज, इन सब का पाउडर एक जगह मिला लें कर, और ये चूर्ण 3-5 ग्राम सुबह, 3-5 ग्राम शाम को, छोटी चम्मच या बड़ी चम्मच सुबह शाम गाय के दूध से ले लें। सुबह खाली पेट दूध से ही ले लें और शाम को खाने के बाद दूध से भी ले लें। अब इसी चूर्ण से और कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से, सर्वांगासन, हलासन, मंडूकासन, शशकासन के करने से पुरुषों की धातु संबंधी समस्या ठीक हो जाएगी। फिर भी यदि किसी को इतने से लाभ न मिले, या इसके साथ में एक और भी साथ में चीज प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले इसी को ट्राई कर लें या इसके साथ साथ और कर लें जरा एक प्रयोग। शिलाजीत एक एक बूंद, शिलाजीत विश्वसनीय व्यक्तियों से लेना, ऐसे विश्वसनीय वैद्य जो स्वयं बनाते हैं और जिनका उद्देश्य मानव सेवा है, उन वैद्यों के पास में आपको सही शुद्ध दवा मिलेगी। शिलाजीत एक एक बूंद दूध मिलेगी सुबह शाम, चंद्र प्रभावटी एक एक गोली, ये शुक्र संबंधी और भी दूसरी व्याधियां हैं आपको, उन सब समस्याओं को, यौन रोग, गुप्त रोग जिनको आप बोलते हैं, नाम अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र प्रभावटी एक एक गोली, शिलाजीत एक एक बूंद, पूरी तरह से आदमी बेकार हो चुका है, शक्ति विहीन हो चुका है, उसके लिए शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी, यौन अमृत सुबह शाम दूध के साथ में, और सफेद मुसली, अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज का पाउडर, वो भी दूध से लिया जा सकता है, दोनों साथ में भी ली जा सकती है। पुरुषों को भी बहुत ज्यादा वासनात्मक नहीं होना चाहिए, वासना जिंदगी का अंतिम उद्देश्य नहीं, गृहस्थ का उद्देश्य संतति उत्पत्ति करना है, और प्रेम वासना से नहीं बढ़ता, प्रेम वासना से मिटता है, वासना तो प्रेम की हत्या है, इसलिए प्रेम बढ़ता है श्रद्धा से, समर्पण से, सद्भाव से, पुरुषार्थ से, कर्तव्यों के निर्वहन से, मधुर वाणी से, एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं से।